भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र में 24 गारंटियां दी गई हैं, जिनमें गरीब परिवारों की सेवा की गारंटी, मध्यम वर्ग को गारंटी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी, युवाओं को अवसर की गारंटी, विशिष्ट नागरिकों को वीरता की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी, मछली पालकों को गारंटी, श्रमिकों को सम्मान की गारंटी, MSME, छोटे व्यापारों के सशक्तिकरण की गारंटी, सबका साथ सबका विकास की गारंटी व कई अन्य महत्वपूर्ण गारंटियां दी गई, जिनमें सभी को स्वास्थ्य बीमा, सीमा पार घुसपैठ पर नकेल, बुलेट ट्रेनों के संचालन और सभी के लिए पक्का घर देने का वादा किया गया। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएंगे। ईरान ने इसराइल पर हवाई हमला बोला है। ईरान ने इसराइल पर करीब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। इस हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव उभरना तय माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष की संभावना को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। इसराइल ईरान संघर्ष पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या कर दी गई है। लाहौर में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब वो अपनी कार में कहीं जा रहा था। बता दें कि भारतीय नागरिक सरबजीत की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। उसने पाकिस्तान के ISI के इशारे पर सरबजीत को मौत के घाट उतारा था। देश की बहुचर्चित रायबरेली और अमेठी सीट पर यदि गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ते हैं, तो भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी उनके साथ कोई रियायत नहीं करेगी। बसपा वहां से मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बीते दिन सुल्तानपुर आए बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व सांसद घनश्याम खरवार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए हैं, जिनका जल्द ही ऐलान हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर घेरा है। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत पर सीमा पार से आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चूंकि आतंकवादी नियमों के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हमारे लिए भी उनका जवाब देने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता। विदेश मंत्री जयशंकर ने 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों पर बोलते हुए कांग्रेस की तत्कालीन UPA सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर बहुत विचार विमर्श के बाद भी उस समय कुछ भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने भारत और इसराइल के बीच आने जाने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सीरिया के ईरानी दूतावास में हुए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है।